गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीना मिश्रा फ्रॉम ब्रजलाल गवर्नमेंट हाई स्कूल मझापड़ा। वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश वर्चुअल क्लास। सो टुडे वी आर हियर विथ एन इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक दैट इज अनसीन पैसेज। इन योर क्लास 8 यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द सीन पैसेज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीन पैसेज एंड अनसीन पैसेज? सीन पैसेज और अनसीन पैसेज भीतर डिफरेंस कौन? सीन पैसेज इज द पैसेज which you have already come across with, and unseen passage is the passage that you don't know about much about it. So main ta bisare jani na, you first time you may have come across with the passage. So it is very important because in your exams it comes at the end of the question paper and it carries 10 marks and it is very easy to get the answer if you know how to write the answers properly. Okay, so before going to start, let's discuss the homework of previous class. So in your previous class, so it was given as your homework, translate into English. So there are four sentences. First sentence, Rama bhato khaichi. Rama bhato khaichi. Ujjalpur Government High School, have you done it? Ram has eaten rice. Very good. Ram has eaten rice. Because it is in which tense? Ko tense le ochi eta kahi paribo? Karandhi High School ko tense le ochi eta? Which tense? Past tense. Past tense. भात खाई 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 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस रो को फॉर्म रे प्रेजेंट परफेक्ट खाई जाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे चला। नेक्स्ट वन, इंग्रज माने भारतीय मानंकु प्राय 250 वर्ष शासन करथिले। करंडी हाई स्कूल द इंग्रज माने द इरिस यस द इरिस रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 20 इयर्स। द ब्रिटिशर्स, इंग्रेज माने कहले कोन? द ब्रिटिशर्स। चेक योर आंसर। द ब्रिटिशर्स करी थिले इन व्हिच सेंस? करी थिले माने ऑलरेडी सॉरी जाई छी सब रूल्ड हैड रूल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस रे अछि। द ब्रिटिशर्स हैड रूल्ड काहा को करथिले शासन? द इंडियंस। केते वर्ष पई प्राय लेखा हिची सेठरे जदी खाली चली था 250 वर्ष शासन करते तुम्हें लिखी था द ब्रिटिशर्स हैड रूल फॉर द इंडियंस फॉर 250 इयर्स किंतु एठारे अछि प्राय। प्राय को हमें कौन लिखिबा? अबाउट। सो द ब्रिटिशर्स हैड रूल्ड द इंडियंस अबाउट 250 इयर्स। नेक्स्ट वन, ते माने क्रिकेट खेलु छंती को टेंस रे अछि कहबो? क्रिकेट। वेरी गुड, दे आर प्लेइंग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट रो को फॉर्म रे अछि? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कामटा कंटिन्यू अछि, खेलु छंती माने कामटा होउछि सॉरीनी। दे आर प्लेइंग आ सेथरे आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लागबो। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट वन, मु प्रतिदिन इंग्रजी पढे। आई स्टडी इंग्लिश एवरीडे। आई स्टडी और आई रीड इंग्लिश एवरीडे। एटा हैबिचुअल एक्शन सेथि पई कोन व्यवहार हिछि? प्रेजेंट सिंपल को फॉर्म को टेंस प्रेजेंट सिंपल रे अछि। आई रीड इंग्लिश एवरीडे। वेरी गुड। नेक्स्ट, गोटे टेबल अछि, देयर इज अ टेबल एंड द वर्ब आर गिवन हियर। दिस वर्ब बेक अग्री लेवी कॉस्ट रिंग चूज स्मेल एंड ड्रीम। एटा वर्ब रा बेस फॉर्म। सो राइट डाउन द टेल मी द पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। So first the word back. What is the past form baked. Of the back? Very good. Baked. Backed. 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 Please check your answer. Yeah, answer korcho check kar diyo. Second one. Agree. Agreed. 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 Third one. Levy. लेबिड लेबिड स्पेलिंग कोई पता?
वेरी गुड, एल ई वी आई ई डी, लेविज, लेविज। थर्ड वन, फोर्थ वन, कॉस्ट। एथरे कॉस्टेड ईडी भी लागि पारे, अमेरिकन आ ब्रिटिश इंग्लिश जो तार अछि डिफरेंस अछि, बेले बेले एरा कॉस्टेड कहले भी आमे भूल कहि पारिबा नाही। कॉस्ट 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 जनरली हुए, किंतु कोगो जगह रे कॉस्टेड भी यूज हुए। नेक्स्ट वन रिंग, एनी अदर अलगा स्टूडेंट के उडे को रैंक, रिंग, रैंक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कोन हबो, रंग, आर यू एन जी, रंग। नेक्स्ट वन चूज, चूज, उजलपुर गर्ल्स हाई स्कूल, चूज, चूज रे कोन हबो, चूज, चूज, सी एच यू एस सी, वेरी गुड, सी एच ओ एस सी, चूज। लास्ट वन, फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सी एच ओ एस सी एन, चूजन, ओके, चूज, चूज, चूजन। नेक्स्ट वन स्मेल, स्मेल, स्मेल्ट, एस एस एम ई एल टी, स्मेल्ट, वेरी गुड, स्मेल, फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म, स्मेल्ट, smelt, smell, smell, smelt. Next one, dream. Ladimong has dreamed, 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 dreamed. तो ऐसे देखो ये जो smell लिखा है ची, ED भी लगी पर बोले बोले ED भी use हुए, smell, smelled, smelled हुए। अरे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी की डिफरेंस है। और ड्रीम रा भी ड्रीम ईडी भी लगे पारिबो और एठी भी ईडी लगे पारिबो, किंतु आमे जनरली एटा को ही यूज करू छौ आसु छु देखु छु। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अनसीन पैसेज, हाउ टू व्हाट टू डू एंड व्हाट पॉइंट शुड वी रिमेंबर। आमे गुटे अनसीन पैसेज जते ले ट्राई करू छु, तो आमे व्हाट टू डू कोन करबा कथा फर्स्ट, सो दैट दीस आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। फर्स्ट के जानि दो तब डिस्कशन करबा। द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट रीडिंग, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रीड, केते समय आमे पढिबा, केते टाइम, थ्री टाइम्स, मिनिमम थ्री टाइम्स वी हैव टू, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस वी हैव टू रीड द पैसेज, पैसेज दिया है जी आपको केते थोर पढिबा को पढिबा, वी हैव टू रीड थ्री टाइम्स। ओके, द फर्स्ट टाइम फर्स्ट रीड करबो, एज यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक, कोन अछि से बिषय आमे किछि जानि नहु, यू डोंट नो अबाउट the topic what about is, so first reading to get the main idea, so kon asi overall idea kon, so how to read the passages quickly, don't waste time, just khali padhi dio, just read the passage quickly to get the main idea and the subject matter. If you read for the first time, jodi padhi dalo, you will not understand each and every line, bujhi parba bahut kashta bujhi habani, you will only get a main idea, kintu am jani pariba je kaha bisoy achi, kichi to kichi ta word, we will come across the word, okay, and from that words we can guess what the paragraph about. Second reading author e padibo, second reading re kon to get the detail idea, second time re read line by line, thore padhi deicho author e padiba ko easy hebo, so read the paragraphs or read the passage second time to get the detailed idea, and if possible underline the important point, tumako jota point important lagibo then underline it. Why second reading, second reading kahe ki koribo, for clear understanding of the passage, passage ko jemti bujhi paribo line by line padibo, word ko dakhibo, emiti no hoy je tumhe sab word ra meaning janthwa, you will come across some word, sei word gura kahi important thibo and you don't know about the word, only you can guess the meaning. Okay, so the second reading is the most important reading. Okay, next third reading, third time to write the answer. Ei somoy re kon koribo, first padhi sarilo just thare padhi dilo, second time detail padhilo, third time re question padhibo, you read the question and then go to the passage, first question padhilo tapre passage ko jibo, passage re then you will find the answer, answer kouthi achi taku dekhiba pai amko au thare padhiba ko padhibo. So while answering the question, read the particular person where the answer lies. कोठी answer ता अच्छा हमको first खोजीबा को पड़ीबो। तो क्या मिति खोजीबा? आमे कोई लाभ ले जाना पड़ीबो।
try to answer in your own words H for H practicable. So, खाली कॉपी करिबा नै, it doesn't mean copying. Unseen passage रे हमें प्राय पिला कोन करंती, जहां लेखा हिबो पूरा कॉपी कर जंती. That doesn't mean. So, to try to answer in your own words H for H practicable. निजर वर्ड दे तुमे देबो आंसर. Take care of spelling. आ लेखिला सर स्पेलिंग देखिबो, ग्रामेटिकली ठीक अछि कि नै देखिबो, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क कोठी कोन लागिबो देखिबो. सिंपल लैंग्वेज यूज करिबो. निजर आइडिया केछि देबार दरकार नाही. आ लास्ट टाइम एडिट योर आंसर इफ नेसेसरी. सब लिखि सारलो तापर जदि किछि भूल हिछि, ग्रामर फ्रमार किछि भूल हिछि तापर चेक कर देबो. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू एंड द पॉइंट्स टू रिमेंबर. ठीक है, जानि देबा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जाम. को प्रकार क्वेश्चन आसे अनसीन पैसेज रे. गोटे था ग्लोबल क्वेश्चन. ग्लोबल क्वेश्चन तो तुम्हें केमती जानव अबाउट द पैसेज. पैसेज रे कहा विषय रे दिया है, थोड़े दु थर पढ़ी देला परे तुम्हें जानी पार. लिखा ही हु आर द जानव हु आर द कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, लिखा है ना. सो दैट आर द ग्लोबल क्वेश्चन. फैक्चुअल क्वेश्चन व्हाट व्हेयर व्हेन, ए क्वेश्चन गुड़ा फैक्ट उपर इनफॉरमेशन थी से पैसेज रे ताकू ही बेस करी क्वेश्चन गुड़ाक भी थाए, दैट इज फैक्चुअल क्वेश्चन. इनफरेंशियल क्वेश्चन, इनफरेंशियल क्वेश्चन रे गेस करिवो आंसर ता कोन होई थिबो, सेथले डायरेक्ट आंसर नथिबो. पास्टा क्वेश्चन जो थिबो सब इजी लागिवो ने, गोटे ना गोटे ना दुटा तुमको टिके डिफिकल्ट हबो निश्चित हाबे थिबो. सेटा व्हाई आउ हाउ टाइप रो क्वेश्चन कोन, व्हाट व्हेयर व्हेन व्हिच हाउ हु ए प्रकार क्वेश्चन थिबो. तो व्हाई आउ हाउ क्वेश्चन टिके देव माने लेखिया पई टिके तुमको कष्ट हबो. सो बी कंसंट्रेट ऑन दिस. आ गोटे इवैल्यूएटिव क्वेश्चन थाए, प्राय पढ़ेनी हेले भी जदि पढ़ जाए इवैल्यूएटिव क्वेश्चन कोन, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, आउ को कैरेक्टर को तुमको भल लागिला, ए सब क्वेश्चन रख हला इवैल्यूएटिव क्वेश्चन. आ प्रेडिक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन माने इन्फॉर्मेशन थिबो, आप तो देखि थिबो क्लास 8 रे अछि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कोन हबो थिबो पैराग्राफ रे स्टोरी रे थिबो आधा थिबो आ कोन होई थिबो प्राय थिबो से मोर क्वेश्चन रे, सेटा होछि हमर प्रेडिक्टिव क्वेश्चन. तो प्राय हमर आसे ए फैक्चुअल क्वेश्चन आउ इन्फरेंशियल क्वेश्चन, एटा आउ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उडा को तुमर आसी थाए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पैराग्राफ. सो फर्स्ट आई एम रीडिंग द पैसेज, यू लिसन मी केयरफुली, लुक एट द स्मार्ट बोर्ड. ओके, इन एंशियंट टाइम पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त. बिंदुसार एंड अशोका. After the Kalinga War, Ashoka set up a Buddhist council here. Also from here, he sent out messengers of peace to the kings of other lands. Shershah built the city of Patna on the site of the ancient city. Okay? Chota paragraph achi. Question dara bhai easy hobo. In ancient time, Pataliputra was the capital of the Mauryan Empire under Chandragupta, Bindusara and Ashoka. After the Kalinga War, Ashok set up a Buddhist council here. Also from here, he sent out messengers of peace to the kings of other lands. Shershah built the city of Patna on the site of the ancient city. Do you want to question that? Kahar Bishar Deh Chita Ame Jani Pari Ba? Kye Kohi Pari Ba? Anyone? Kahar Kahar Bishar Deh Hiti? Lady Mom? को को कैरेक्टर विषय रे कहार विषय रे किछ तो ना तो अछि ना जानि परबो कि नै. लेडी मो भाई चंद्रगुप्त, 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 अशोक, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार. इंपोर्टेंट वर्ड इन दिस. आ गोटे कोन अछि देखो, पाटलिपुत्र. ओके, अछि ना नै पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, द मौर्यन एम्पायर. These are the important words. Okay, Buddhist council. So after reading second time, let's read for the third time by reading the question. First question ko padhibo. The first question is, who built the city of Patna? Who built the city of Patna? Anyone? Answer ta kothi achi? Who built the city of Patna? जयराम हाई स्कूल, शेरशाह. कोठे थी लास्ट टू, एटा देखो टेल मी इन कंप्लीट सेंटेंस, एट द कंप्लीट सेंटेंस. शेरशाह, शेरशाह, हां, शेरशाह,
कंप्लीट सेंटेंस कह गोटे वर्ड नुहे कंप्लीट सेंटेंस कह बिल्ड द सिटी ऑफ पटना वेरी इजी क्वेश्चन किंतु देखो फर्स्ट रे आसी नहीं लास्ट रे अछि क्वेश्चन का वेरी गुड सिट डाउन शेर शाह जो अछि क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रे आसी छि एमति नहि कि खाली फर्स्ट रो आरंभ हेबो फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट लाइन रे अछि तो एठा देखो हु क्वेश्चन अछि फैक्चुअल क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस है सो हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना किछ करबा नै हु कि व्हाट थिले वेरी इजी टू आंसर हु जगह रे खाली आंसर ता लिखि देबो हु बिल्ड द सिटी ऑफ पटना एठा डायरेक्ट लिखा है छि डायरेक्ट आंसर शेर शाह बिल्ड द सिटी ऑफ पटना ए लाइन को अंडरलाइन करबो ठीक अछि शेर शाह बिल्ड द सिटी ऑफ पटना सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज एटा भी व्हाट व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना एठा रे डायरेक्ट आंसर देइनी मु आगरु कहि दउ छी What was the ancient name of Patna? You have to find out it. Jaram school. Nilamani. Nilamani high school. Girls high school. What was the ancient name of Patna? Ekhane Patna achi gote jaga. Aa gote place ro naam achi. Find out it. Town Nodal High School. The site of the ancient city. Ancient. Okay. The site of the ancient city. Ancient city. The site of the ancient city name. Patna ta karo se. Patna ra ancient name. Ancient mane puratan. पटना एबे जो पटना अछि ना बिहार बिहार रो हमर कैपिटल तार एंशिएंट नाटा कोन थिला पुरना नाटा कोन थिला एई भितरे अछि परवा भितरे अछि आ गोटे जगह रो खाली ना अछि कह आरंभ हो बैठू द एंशिएंट नेम ऑफ पटना कोन हेबो एंशिएंट टाइम ओठ लिखा है छि पत्र अछि नै एंशिएंट टाइम कौन लिखा है जी पाटलिपुत्र द एंशिएंट नेम ऑफ पटना वाज पाटलिपुत्र एमिति क्वेश्चन प्राय आसीता एडा आसीतला बोध 2014 सप्लीमेंट्री एग्जाम रे एई पैराग्राफ आसीतला सो व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना द एंशिएंट नेम ऑफ पटना वाज पाटलिपुत्र एठरे डायरेक्ट आंसर नहीं किंतु तुमको खोजी करी बाहर करबा को पड़िबो पटना तो देछि पटना रा अलग किछि ना आ किछि प्लेस रा ना देछि कि सिटी रा ना देछि को सिटी रा ना देछि पाटलिपुत्र रा ना देछि ओके नेक्स्ट थर्ड वन व्हाई क्वेश्चन अगुरु कहि दछि व्हाई क्वेश्चन ना बिकॉज जदी व्हाई क्वेश्चन होछि तुमको बिकॉज या एज रु आंसर आरंभ करबा को पड़िबो व्हाई वाज द एंशिएंट सिटी फेमस एटा भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लेखा ही नि जे ए सिटी एथि पई फेमस होछि इनडायरेक्ट क्वेश्चन अछि व्हाई वाज द एंशिएंट सिटी फेमस क्वेश्चन को पढ़ा समय पैराग्राफ को जानी पारबो व्हाई वाज द एंशिएंट सिटी फेमस काहे की फेमस एंशिएंट सिटी कोडा की पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र ना कोन थिला की पाटलिपुत्र ता सेति पई फेमस कोन थिला फर्स्ट लाइन रे आंसर अछि फाइंड आउट द आंसर मु कहि दउ छी क्लू फर्स्ट लाइन रे आंसर अछि एनीवन निलमणि गर्ल्स हाई स्कूल कोई पारिबो फर्स्ट लाइन रे आंसर अछि एंशिएंट काहे कि सिर्फ फेमस थिला डायरेक्ट आंसर देइनी किंतु पाटलिपुत्र कोन थिला काहे कुछ तो गुटे थिबो जे तार फेमस थिबो ना फर्स्ट लाइन रे ही आंसर अछि स्टैंड अप उजलपुर हाई स्कूल आरंभ करबो कोन द एंशिएंट सिटी कोटा द एंशिएंट सिटी वाज कोन थिला कि एडा कम से कम पढ़ाओ द एंशिएंट सिटी वाज कौन थिला द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वेरी गुड द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर कैपिटल हमर भुवनेश्वर ता काहे के फेमस जदी हमें कहबा कौन कहबो व्हाई इज भुवनेश्वर फेमस बिकॉज़ इट इज द कैपिटल ऑफ ओडिसा व्हाई इज संबलपुर फेमस बिकॉज़ इट इज द प्लेस ऑफ मासमले तो किछ त बड़ तार इंपोर्टेंस थिबो तो ए पाटलिपुत्र विषय रे जो लिखा है व्हाई इट इज इंपोर्टेंट इट इज द
कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इज द वर्स्ट डायनेस्टी ऑर एम्पायर। बहुत बड़ा एम्पायर था मौर्यन। तुम्हें पढ़ी थी क्लास 6 7 रे। मौर्यन एम्पायर वाज इट इज फेमस एम्पायर। ओके सो इट इज फेमस एज द एज कंप्लीट सेंटेंस कर दियो। तुम्हें कह कह दियो द एंशिएंट सिटी वाज फेमस बिकॉज़ इट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट वन, what did Ashoka set up in the city after Kalinga war? Kalinga war? After Kalinga war, what did Ashoka set up? It is direct direct answer. Anyone? Ladimong. Buddhist council. Complete sentence for? The Buddhist counselor. Aramba koutu karibo? Buddhist counselor. बुद्धिस्ट कंप्लीट सेंटेंस रे आसम को माने लेखिबा कंप्लीट सेंटेंस बुद्धिस्ट काउंसिल रे आरंभ कोठो केमिति आरंभ करबो सेंटेंस ता पूरा कहो व्हाट डिड अशोक सेट अप कोठो आरंभ करबो देउछि पर कहू छी अशोक सब्जेक्ट आसिला सब्जेक्ट पर भर बासिला सेट अप कोन सेट अप अशोका सेटअप तापे आंसर ता लिखिबो अशोका सेटअप बुद्धिस्ट काउंसिल वेरी गुड अशोका सेटअप बुद्धिस्ट काउंसिल द सिटी आफ्टर कलिंग वॉर इन द सिटी आफ्टर कलिंग वॉर वेरी गुड आफ्टर कलिंग वॉर ओके गुड अशोका सेटअप बुद्धिस्ट काउंसिल इन द सिटी आफ्टर कलिंग वॉर लास्ट सेंटेंस लास्ट क्वेश्चन व्हाट मैसेज डिड ही सेंड टू अदर कंट्री It is also a direct answer. Yes, sir. School. What message? अच्छा तुम्हें देखिए आप वो main word वाला को देखो message इधर है word अभी का message अच्छी की countries इधर है कौन से countries अच्छी first से एक question है जो word वाला को देखो से word वाला को इधर खुजी वो से word वाला को पाई गले तापर से इतनी ही answer थी वो कौन सी अच्छी देखो वेरी गुड हाँ मैसेज पीस टू द किंग्स ऑफ अदर लैंड मैसेज ऑफ पीस हमको मिला कौन कौन मैसेज पीस ऑफ द किंग ऑफ द अदर लैंड अदर लैंड ओके तो आरंभ कोठो करबो ही टू द किंग्स ऑफ अदर लैंड वेरी गुड तो आरंभ केमिति करबो ही सेंट ओके ही सेंट ऐसे एसी एनडी अच्छी और डीड अच्छी पास्ट टेंस आसीबो ही सेंट कोन पठैले द मैसेज ऑफ पीस टू अदर कंट्रीज ओके सो इफ यू ट्राई वी कैन यू कैन डू इट टिके डिफिकल्ट गोटे गोटे दुई गोटे दुटा क्वेश्चन जेमिति हेले डिफिकल्ट आसीबो ओके नेक्स्ट कम टू द सेकंड पैसेज आई एम गोइंग टू रीड इट लिसन मी केयरफुली ओके सुनथा वर्ड गुडा को वर्ड आसुचे सेटा टिके देखथाओ It was late evening. Two friends, Papa Buddhi and Dharma Buddhi, were returning home after selling their goods in the nearby town. They decided to rest for the night under a tree, as it was not safe to travel in the dark. So, they kept aside their bag of money and lay down under the tree. Dharma Buddhi fell fast asleep, but Papa Buddhi was awake. He was a dishonest and greedy person. So, he hatched up a plan and waited quietly for the morning. In the morning, when Dharma Buddhi woke up, Papa Buddhi said, Let's bury our money under this tree. It is not safe to carry this back with us. When we need it, we will come here and take it. Dharma Buddhi was an innocent person. He believed his friend and dug a hole in the ground and buried the bag there. So, हमें first time पढ़ी ले किसी बुद्धि है बना ही खाली किसी word बने रहेगा को word बने रहेगा ये पाप बुद्धि धर्म बुद्धि money tree plan ऐसा वो word रखा मन रहेगा second time जितने बोले पढ़ी बो line पढ़ी बो go through line by लाइन लाइन बाय लाइन जीव सब वर्ड भी बुझी हम नहीं कि जदि किसी वर्ड बुझी हेला भी नहीं गेस करिबो मीनिंग टा हेला ट्राई करिबो गेस करबा पई तापरे थर्ड टाइम जते बले पढ़िबो सेकंड टाइम टा मु स्किप करूची टाइम हबोनी
क्वेश्चन पढ़िकी जीव आंसर पाखकु व्हेयर डिड पाप बुद्धि एंड धर्म बुद्धि सेल देयर गुड्स तो एठरे फर्स्ट कोन करबो पाप बुद्धि को को वर्ड टा इंपोर्टेंट एथरे पाप बुद्धि धर्म बुद्धि सेल गुड्स तो ए वर्ड उडा को जोठी थिबो सेई लाइन उडा को तुमे जीव कोठी अछि देखा तो को लाइन अछि के कहि परबो बिरबिरा स्कूल ठीक है पढ़ी दियो कौटी अच्छी सेल गुड पापा बुद्धि धर्म बुद्धि व्हिच लाइन को लाइन देखा थी अच्छी कि नहीं सेल सेलिंग सेकंड लाइन वेरी गुड सेलिंग गुड पापा बुद्धि धर्म बुद्धि तो आंसर टा एठी रही थिबो तापर तुमको सजे के टिके लिखवार के पड़वा इट वाज लेट इवनिंग टू फ्रेंड्स पापा बुद्धि धर्म बुद्धि हैव रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग देयर गुड्स इन द नियर बाय टाउन ए भीतर ही आंसर टा थिबो तो क्वेश्चन टा कोन कोन सारा फास्ट देखबा व्हाई डिड क्वेश्चन टा अछि व्हेयर डिड पापा बुद्धि एंड धर्म बुद्धि सेल देयर गुड्स सेल माने बिकिबा कोठे बिकिले केमिति कहबो आंसर अच्छा एठो आरंभ करिया फास्ट फर्स्ट कोन लिखिबो पाप बुद्धि एंड धर्म बुद्धि तांकर विषय रे कहाछि पाप बुद्धि एंड धर्म बुद्धि वर्ब अछि कोन सेल डिड अछि कोन हिबो सेल रो पास्ट टेंस कोन हबो सेल रो पास्ट टेंस कोन सोल्ड सेल रो पास्ट टेंस कोन सोल्ड सेल माने बिकिबा सोल्ड माने बिकिले धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि सोल्ड कोन बिकिले देयर गुड्स क्वेश्चन अछि कोठी बिकिले कोठी के Who can answer? Where? Question रो देखो answer रो last line सही line रो last पे answer था सी कोठी बिकले से मैंने in the village town or market where? पापा बुद्धि धर्म बुद्धि पापा बुद्धि धर्म sell the goods हाँ in the town in the nearby town in the धर्म बुद्धि sold the देयर गुड इन द नियर बाय टाउन पूरा आंसर टा एग्जैक्टली लिखा है सी देवा को किछ असुविधा नहीं बुझला पापा बुद्धि एंड धर्म बुद्धि खाली टेंस टा देखिबो टेंस टा कुटी के देखिबो ए जो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस टा कुटी के भल के देखिबो देखि देले से लिखि देले तुम्हार मार्क टा कंप्लीट आसीबो जदी टेंस भूल हेला तबरे मार्क कटिबो सो पापा बुद्धि एंड धर्म बुद्धि सोल्ड देयर गुड इन द टाउन नियर बाय टाउन सेकंड व्हाई डिड पापा बुद्धि एंड धर्म बुद्धि डिसाइड टू रेस्ट अंडर अ ट्री क्वेश्चन अच्छी व्हाई व्हाई माने व्हाई क्वेश्चन आसने ही बिकॉज के एज रेकमेंड आंसर दबो कोन क्वेश्चन अच्छी फर्स्ट बुझिबो व्हाई डिड पापा बुद्धि एंड धर्म बुद्धि डिसाइड अच्छा इथरो इंपोर्टेंट वर्ड कोन आमे तो जानिले कोन कोन इंपोर्टेंट पापा बुद्धि इंपोर्टेंट धर्म बुद्धि भी इंपोर्टेंट वर्ड डिसाइड कोटे वर्ड आसी छी डिसाइड वर्बटा कोन डिसाइड रेस्ट ट्री ए सब वर्ड इंपोर्टेंट तो ए सब वर्ड को तुम्हें खोजिबो कोठी यू विल फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज सेम वर्ड वाको जोठी पाइबो आंसर लाइज देयर जोठी से वर्ड वाको थिबो सेठी ही आंसर टा थिबो तुमको डी खाली सजे के लिखबा को पड़िबो कहि परबो कोठी अछि व्हाई डिड पापा बुद्धि ए थर्ड लाइन व्हिच लाइन हैं नंबर फोर ओके एटा तो कौडा एटा थर्ड लाइन दे डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर द नाइट अंडर अ ट्री एज इट वाज नॉट सेफ टू ट्रैवल इन द डार्क तो एठी ही से आंसर तो देखो डिसाइड व्हाटा अछि अंडर अ ट्री व्हाटा अछि रेस्ट व्हाटा अछि तो एटा अछि माने एथि ही आंसर थिबो एबे आंसर टा कहो प्रगति विद्या मंदिर कौन हबो दे डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर द नाइट अंडर द ट्री एज इट वाज नॉट सेफ टू ट्रैवल इन द डार्क आंसर ता हेटी ओची क्वेश्चन में केमती लिखबो आंसर ता पाप बुद्धि एंड धर्म बुद्धि हे आरंभ करबो तो इट वाज डार्क बिकॉज़ इट वाज डार्क तो आंसर ता कंप्लीट करो फर्स्ट आंसर ता पूरा कंप्लीट कर दियो हाँ कुआ यस इट इज डार्क हां जी पूरा कंप्लीट आंसर का कोठ आरंभ करिबो आरंभटा कोठ करिबो
पापा बुद्धि एंड धर्मा बुद्धि डिसाइडेड हां पूरा एक के तो लिख दो वाला धर्मा बुद्धि डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर द ट्री इट्स डार्क बिकॉज़ कि एस बिकॉज़ भी लिखी पर आप कि एस भी लिखी पर आप इट वाज डार्क पापा बुद्धि एंड धर्मा हां वेरी गुड पापा बुद्धि एंड धर्मा बुद्धि decided to rest under a tree as it was not safe to travel in the dark lekha hai se tre pura dark re travel kariba safe nu ho seida bhabi kire se mane they decided to rest under the tree lekha hai se lekhi de hola third question what was papa buddhi like direct question achi answer bhi achi seji kothi achi lekha ta answer what was papa buddhi like पापा बुद्धि केमी की थला लाइक ही वाज द डिसनेस्ट एंड ग्रेडी पर्सन यस ही वाज ए डिसनेस्ट एंड ग्रेडी पर्सन ग्रेडी पर्सन पापा बुद्धि वाज अ डिसनेस्ट एंड ग्रेडी पर्सन और ग्रेडी मैन वेरी गुड डिसनेस्ट थिला और ग्रेडी थिला नंबर 4 व्हाट डिड पापा बुद्धि टेल धर्मा बुद्धि इन द मणि और देखो इन द मॉर्निंग टेल पापा बुद्धि टू धर्मा बुद्धि एई वर्ड का जो उठि थी बखो जाबे फाइंड आउट व्हाट डिड पापा बुद्धि टेल धर्मा बुद्धि इन द मॉर्निंग आरंभ केमति को कोठे आज के आंसर टा आरंभ केमति को कोठे आज के आंसर टा इन द मॉर्निंग खोजो फाइंड आउट द फेज इन द मॉर्निंग कोठे लिखाई छी मॉर्निंग व्हेन द धर्मा बुद्धि वेक अप हाँ when the धर्मा बुद्धि woke up पापा बुद्धि said let's be read मैं said the let's worry the money under this tree bag it is not safe okay this bag with carry this bag with us answer type kya thi so the toughest question is direct and indirect ethare dekho direct speech re achi taku tumko indirect speech re likhiba ko parbo tumhe answer likhibo just copy kar dele खाली से पूरा जब डायरेक्ट लिखी थे तरह मार्क कटिज दुई मार्क थी गोटे मार्क देदे आ गए मार्क कटिज सो यहाँ ही सब टफेस्ट क्वेश्चन केमी तुम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच लिख जानी थी कनभर्ट करवा सुविधा हे सो देखा ए व्हाट डिड पापा बुद्धि टेल धर्मा बुद्धि इन द मॉर्निंग देख पापा बुद्धि टोल्ड टेल टा कौन जीत डीड अच्छी टोल्ड होगा पापा बुद्धि टोल्ड क्या को कहला धर्म बुद्धि इन द मॉर्निंग एतकी दूर लिखी देखे एतकी दूर तो किसी असुविधा नहीं पापा बुद्धि टोल्ड धर्म बुद्धि इन द मॉर्निंग कौन कहला से बरी देयर मनी अंडर द ट्री एस इट वाज नॉट सेफ टू कैरी द बैग ओके कहीं कहला टू बरी देयर मनी एथि लेट्स बरी देयर मनी लेट्स को काट लो खाली लिख टू बरी देयर मनी under the tree and as it was not safe to carry the bag answer ta sahi achi so next question what did dharma buddhi do after believing his friends after believing his friend believe what ta kothi achi dekha sei question re hi word ra ko khojibo question ra word guri ko ethi khojibo dharma buddhi was an innocent person बिलीव वर्ड आसला आंसर टे भी एठी ही अछि कोइबे कोन कला व्हाट डिड धर्मा बुद्धि डू आफ्टर बिलीविंग हिज फ्रेंड आफ्टर बिलीविंग हिज फ्रेंड बिलीव कर गेला ताकु व्हाट डिड ही डू देन व्हाट डिड ही डू कोन कला लेडीमोंग धर्मा बुद्धि वाज इनोसेंट पर्सन ही बिलीव दिस फ्रेंड डॉग ए And in the ground and buried the bag there. Okay. ऐसे आंसर था ठीक है तो तुम्हें जब जस्ट पूरा कही दिलो पूरा आंसर था पूरा कही दिलो एम जी लिख दिले फुल मार्क मिली बनी तुमको क्वेश्चन को देखी ही आंसर करने को पड़ेगा देखो आप व्हाट डिड धर्मा बुद्धि डू आफ्टर बिलीविंग हिज फ्रेंड्स कोठ आरंभ करिबो आफ्टर बिलीविंग हिज फ्रेंड्स आफ्टर बिलीविंग हिज फ्रेंड धर्मा बुद्धि कि तुम धर्मा बुद्धि आरंभ कर पार अच्छा धर्मा बुद्धि आरंभ कर धर्मा बुद्धि कौन कला
धर्म बुद्धि कौन गला एठे आंसर अछि देखो धर्म बुद्धि देखनी धर्म बुद्धि कौन कला डग अ होल गात खोलिला डग अ होल इन द ग्राउंड एंड बरीड द बैग देयर आंसर का डायरेक्ट ठीक नै तू जे एट उपरा लिखिबो ए इनोसेंट अजथा हमको लिखबा नै जति की क्वेश्चन सति की आंसर टू द पॉइंट आंसर लिखबा को पड़िबो सो धर्म बुद्धि डग अ होल इन द ग्राउंड कौन कला आंसर हमको डायरेक्ट पूछि कौन कला होल ही डग अ होल तो हमको ये इनोसेंट थिला एमिति थिला ऐसी किसी लिखबार आवश्यकता नहीं कि डग अ होल इन द ग्राउंड एंड बरीड द बैग बरी माने कौन गात खोली के जमीन जमीन भीतर पति देबा बरी माने पति देबा कि डग अ होल इन द ग्राउंड एंड बरीड द बैग देयर आफ्टर बिलीविंग हिज फ्रेंड ओके सो दीज आर द आंसर नाउ पैसेज नंबर 3 झलकारी वाज एन ऑर्फन Sit down, sit down. Jhalkari was an orphan. She was a bold and fearless. So Jhalkari was an orphan. She was a bold and fearless little girl. She loved to climb trees and swim in the river and play the games that people call boys' games. The villagers liked her because she was a willing worker and could stand long hours of strain and hardship. It is said that she had fought a leopard single-handed in the jungle and the ferocious animal had been killed by the little girl with nothing more than a sturdy stick. After that, they nicknamed her Jhalkari, the tigress. When she was 13, she was married to a soldier in Rani Lakshmibai's army. She no longer lived in the village and went away to live with him in Jhansi. She hoped to be offered a job there. One day, the Rani chanced to see her. She shall be my companion, the Rani ordered. She liked the girl because of her frank and fearless look. They became good friends and every day, the two young people went out riding together. They fenced and wrestled and practiced shooting with revolver and gun. She was with the Rani all the time. So this was a passage. So I thore padhila pare bujhi hobo nahi. So ko war gura kasila ethare jhalkari fearless little girl climb trees swim river किसी तो वर्ड आसी थी किसी थे पढ़ला किसी वर्ड आमको मन रही गला सब वर्ड नहीं किसी वर्ड इंपोर्टेंट वर्ड सेकंड टाइम पढ़ स्किप कर सेकंड टाइम भी भल्कि पढ़ा को पड़ो थर्ड टाइम आमको क्वेश्चन को जीवा को पड़ो थर्ड टाइम क्वेश्चन क्यों होला व्हाट वाज झलकारी लाइक व्हाट वाज झलकारी लाइक लैडी मैम केमती थिला लाइक माने थला नेचर तर नेचर ता केमती थिला झलकारी लाइक टू प्ले झलकारी लाइक झलकारी लाइक टू प्ले से केमती थिला झलकारी लाइक टू प्ले गेम प्ले गेम्स ओके प्ले गेम एंड क्लाइम ट्रीज ला से बॉय एक्टिविटी कर थला तो से केमती थिला आवाज झलकारी ये सी वाज ए बोल्ड एंड झलकारी वाज ए बोल्ड एंड फियरलेस लिटिल गर्ल सी वाज हीरोइक टफ एंड ऑर्फन एटा लिखवा दरकार नहीं एति खै लिखबो झलकारी वाज अ बोल्ड एंड फियरलेस गर्ल ओके एति के लिखले तुमको 2 मार्क मिलिबो नेक्स्ट व्हाट डिड शी लव टू डू एबे आसीबो तमे जो आंसर ता फर्स्ट कहुतिलो एठारे झलकारी ता केमती थिला मैं कहि दिला तापे सेकंड क्वेश्चन ला व्हाट डिड शी लव टू डू डू माने करबा कोन करबा पई ताको भल लागुतिला लव टू डू ओके व्हाट डिड शी लव टू डू प्ले
She loved to climb tree and swim in the Lotan High School. Lotan High School. Games that she loved to climb trees and swim in the rivers and play the game that people call and boy games. Very good. So she loved direct answer se kisi karba nahi. What did she love to do? She loved to climb trees, swim in the river and play games. That people call boys games. Four mane jo khela khalanti sei khela khela khalutile eta direct answer asla eta 2 mark pulibo. Next question ache why. Why did the villagers like him? Villagers dekhibo ese villagers what ta important achi ki nahi. Like what ta important, villagers what ta important. Baki sabu to normal question achi. Normal question re achi de eta re important nua word kon achi villager aur like. To se word ta kothi achi ta apra ame dekhiba. Villagers what ta kothi achi khojo dekho ite achi. अच्छी नहीं villagers. Why did villagers like? इधर ए like भी word अच्छी देखो. एट रही आंसर थी वो ए ही सेंटेंस रही आंसर थी वो. अगर वो पछरो किसी लाइन एक्स्ट्रा लिखी बार दरकार नहीं सही लाइन रही आंसर थी वो. अरे भाबू जी अधिक वाटे के लिखे ना अधिक और मार्क्स मिल जी वो. तभी तीनों है टू दी गोटे लाइन रे भी तुम्हें मार्क्स मिल वो जो दी सेटा ठीक थी वो. Why did villagers like? पूरा आंसर लिखा ही थी थे. वो. The villagers like her because she was a willing worker and could stand long hours of strain and hardship. Very good. The villagers liked her. Why did villagers like? The villagers liked. इडी लगे जी बहुत ये तो डीड होती. Liked her. क्या कहे देखो why question है because ऐसे तो direct दे दीजिए तो मुकुन निजार मनोरो भी लिखी बात दरकार नहीं because लिखा है इसे already. Because she was a willing worker and could stand long hours. अब स्ट्रेन एंड हार्डशिप से तेरे किसी चेंज करने को पड़ेगा नहीं, ओके? तो व्हाई डिड द विलेजर्स लाइक हर? द विलेजर्स लाइक्ड हर बिकॉज़ शी वाज अ विलिंग वर्कर एंड कुड स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स. व्हाई डिड शी लिव इन झांसी? व्हाई डिड शी लिव इन झांसी? इरा इंडायरेक्ट क्वेश्चन. बीएसएस स्कूल. व्हाई डिड शी लिव इन झांसी? आरंभ है पाएटी. सब्जेक्ट आरंभ. सब्जेक्ट कौन सी? भर्त कौन लिव लिफ्ट आर डीड अच्छी जगह तो लिफ्ट है जीवो सी लिफ्ट इन झांसी कहीं की रहिला झांसी रे कहीं की रहिला लिव आउ झांसी से वाटा को तुमको खोजी बाकू पड़ो कोठी लिखा है जी देखो झांसी वाटा देखो अच्छी लिव वाटा भी अच्छी ए भीतर ही हमको खोजी बाकू पड़ीबो ऐसे अच्छी आंसर She was when she was 13. She was married to a soldier in Rani Lakshmibai Sarmi. She no longer lived in the village and went away to live with him in Jhansi. ऐठरे आमर अच्छी देखो village girl. से गुटे कौन थी ला? Village girl थी ला. Village यह तो ऐठरे village villagers like लगा चुने village girl. Village रूप से Jhansi को गला. Jhansi रूप से capital. Okay. Jhansi को कहीं की गला? किसी तो है तो कौन है चाहिए थे अच्छी बिकॉज़ से मैरिड है सोल्जर गुडे सोल्जर को से मैरिज करे कोर्ट है रानी लक्ष्मीबाई आर्मी रे सोल्जर थिले से तार हत्तांकर हस्बैंड सो ही वेंट टू लिव इन झांसी सो सी लिव्ड इन झांसी ओके बिकॉज़ सी वाज मैरिड टू ए सोल्जर इन रानी लक्ष्मीबाई एट द एज ऑफ 13. So she no longer lived in the village and went away to live with her husband in Jhansi. Okay. Next, last one. How did the Rani and Jhalkari become good friends? देखो, good friends, Rani and Jhalkari. इधर अच्छी हमको सही चीज़ खोज बाकी पड़ी बार. Rani and Jhalkari, good friends. कोठी अच्छी. क्या मित्र है ले good friends? देखो, good friends, what type ही अच्छी. They became good friends. क्या मित्र हैं ले? ये कोई बारे बो. Anyone? How did they become good friends? कहीं की हैं ले? क्या मित्र हैं ले? क्या मित्र? कौन हैं ला? देखो. One day, Lakshmibai chanced to see her. She was so impressed with her frank and fearless look that she chose her to be her companion. Jhalkari proved her worth and thus they became good friends. इधर निज़ल
आईडिया लिखा है सी जदि तुमको सेटकी न हो निजन हिसाब रे तुम्हें लिखि पारिबो दे गुड फ्रेंड्स बिकॉज़ वन डे लक्ष्मीबाई चांस टू सी हर एंड सी वाज इंप्रेस्ड विथ हर फ्रैंक एंड फियरलेस लुक एंड दे बिकेम गुड कंपेनियन से ठीक लिखले भी आंसर ता आसीबो नेक्स्ट अंशिल पैसेज नंबर 4 एरा कम अछि इजीली तुमको करि पारिबो डोनाल्ड ब्रैडमैन was born in Australia in 1908. Listen me carefully. Donald Bradman was born in Australia in 1908. He is the greatest batsman in cricket history. As a child, Donald Bradman practiced cricket on his own by bouncing a golf ball against a wall and hitting it with a cricket stump. This practice paid off because he grew up to be a greatest run scoring batsman of all time. In his career, Bradman scored 28,067 runs and an average of 95 runs per inning. His highest ever score was 452 net out for New South Wales against Queensland when he was 21. परे पढ़ी ना हमें जानना कहाँ भी सरे की कोई थी कोई परी बाव व्हाट इज़ द पैराग्राफ अबाउट कहाँ भी सरे उन्हें जनरल आइडिया पाएगा पहले क्वेश्चन का पता लगी व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट कहाँ भी सरे कोई थी कि लौंडा बोर्ड ये क्रिकेटर ऊपरे अबाउट है क्रिकेटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द क्रिकेटर यस डोनाल्ड ब्रैडमैन ओके डोनाल्ड ब्रैडमैन ताकर भी सरे कोई लेती ऐसे के जानना जाना कहाँ तापर तांकर विषय ने सब कुछ पढ़ा दीची सेकंड टाइम आउटर लाइन बाय लाइन पढ़ी बा ओके थर्ड टाइम हमें क्वेश्चन को पढ़ी के आंसर को जीबा फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री डिड ब्रैडमैन बिलोंग टू व्हिच कंट्री अच्छा फर्स्ट हमें आंसर ताई छु आरंभ करबा सब्जेक्ट कहार विषय को आछि ब्रैडमैन बिलोंग अछि एथे डिड अछि कोन हे जबा थरे ईडी बसि जबो डिड थिले फॉर द पास्ट टेंस हो ब्रैडमैन बिलोंग टू फर्स्ट सती के लिखि देबा ब्रैडमैन बिलोंग टू व्हिच कंट्री यू बिलोंग टू कंट्री इंडिया सो डोनाल्ड ब्रैडमैन बिलोंग टू व्हिच कंट्री दहिजरा हाईस्कूल दहिजरा कन्या आश्रम को कंट्री रोसे है थिले व्हाट व्हिच कंट्री डिड ही बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड ऑस्ट्रेलिया ही बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया गुड सो ब्रैडमैन बिलोंग्ड टू ऑस्ट्रेलिया एथि की लिखले तुमको 2 मार्क मिलबो आधा आधा आंसर तो हमको एथि मिल गला क्वेश्चन रो आधा आंसर आ आधा आंसर तुमको आनी खाली लिखबार छ तुमर एथि रे तुमको जे लोंग क्वेश्चन दे छी तुमको 10 मार्क लिखा पई 10 टा निजर मन रे लिखा पई बहुत समय के एसे की तुमर एप्लीकेशन जा मिलबो जो किंतु एथि रे बहुत इजी लिखबा पई खाली जस्ट तुम्हें क्वेश्चन रो आधा आंसर बाहर आउ पैसेज रो आधा आंसर ताकू टिके सजाई करी खाली लिखबार छ आ एटा प्रैक्टिस द्वारा ही हम एतकी पैसेज करबार अर्थ हो जे विल प्रैक्टिस इट कम से कम दिन को गोटे पैसेज तुमको प्रैक्टिस करबा को पड़िबो एमति अभ्यास करी करी जेगरी हबो सो ई व्हिच कंट्री डिड ब्रैडमैन बिलोंग टू ब्रैडलैन बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री सेकंड क्वेश्चन हाउ डिड ही प्रैक्टिस क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड देखो एथे वर्ड अछे प्रैक्टिस आउ चाइल्डहुड क्रिकेट प्रैक्टिस चाइल्डहुड नुआ नुआ वर्ड ए वर्ड रा कोठी अछि आमे देखिबा कोठी अछि चाइल्डहुड चाइल्ड अछि प्रैक्टिस क्रिकेट अछि कि नहीं हाउ हाउ माने की परि की परि से प्रैक्टिस करथले आंसर ता एथि हिबो कह छता सरगी केमेति प्रैक्टिस करथले लेखा हिबो एथि डायरेक्ट आंसर अछि एज ए चाइल्ड डोनाल्ड ब्रैडमैन प्रैक्टिस क्रिकेट ऑन हिज ओन केमिति बाय बाउंसिंग अ गोल्फ बॉल अगेंस्ट अ वॉल एंड हिटिंग विथ इट्स ए क्रिकेट स्टंप सो डायरेक्ट सब ऐसा था इट ऑन हिज ओन बाय यस हां बाउंसिंग को बाय कोंसिंग ए गोल्फ well against a wall and hitting it with a cricket
स्टम्प स्टम्प लिखि पारब तो हां कि नहीं लिखि पारब कि नहीं क्वेश्चन आसले लिखि पारब कि नहीं एमिति तो खाली जहां लिखा है जहां लिख पारो छी हला सो डोनाल्ड ब्रेडमैन प्रैक्टिस क्रिकेट ऑन हिज ओन बाय बाउंसिंग अ गोल्फ ऑन हिज ओन निजे निजे प्रैक्टिस करथले बाय बाउंसिंग अ गोल्फ बॉल against a wall and hitting it with a cricket from direct answer so he practiced cricket in his childhood by bouncing a golf ball against a wall and hitting it with a cricket from sethi sabuta answer dekhle ne answer ta sethi likha aithi khali tumko ani ke aithi koibar achi next what was Bradman's highest score in the match first answer ta arambha kar deba dekho highest score ethi ame khojiba kono highest score match ei jinish ta pura ko khojibar achi आरंभ कौटी थी ब्रेडमैन हाईएस्ट स्कोर इन अ मैच एति पूरा उतारी देव है ब्रेडमैन हाईएस्ट स्कोर इन द मैच वाच एति उतार तापरे केते सेटा देखो कोआ बे मते व्हाट वाज हिज हाईएस्ट स्कोर 2 रन्स वेरी गुड 452 रन्स ओके हिज हाईएस्ट एवर स्कोर वाज एवर स्कोर वाज 452 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
এই ওয়ার্ড রাখো আমি খোঁজবা হুইচ হুইচ পিন কোঠি আছে দেখো ওয়ার্ডটা এগেনস্ট মতে মিলিলা এগেনস্ট এগেনস্ট কো কান্ট্রি কুইন্স Land. Queensland. Very Queensland. 21. The answer is Queensland. Answer ta kono? Queensland. Queensland. Amo ko jete bolle mili gula answer ta. Ebe ame answer ta likhba. Kemti likhba? A2. He scored this. Subject arambho hobo? He scored this run. He scored this run. Against. Tapre which team? Amo ko answer mila which team? कोटिंग अगेंस्ट से क्वींसलैंड अगेंस्ट से क्वींसलैंड जितने प्लान में जानी पड़ेगा तापर हमें लिखिए बाहर ही स्कोर दिस रन अगेंस्ट क्वींसलैंड और आउट आंसर लिखिए पड़ी बहुत तुम्हें अगेंस्ट हुई जगह रे खाली क्वींसलैंड को लिखिए दबा रखिए अब किसी को बार नहीं हुई जगह रे क्वींसलैंड अगेंस्ट क्वींसलैंड ही स्कोर दिस रन एमसी लिखिए दिले भी आंसर टा ठीक है बहुत खाली व्हाट ही हुई जो क्यों थी व्हाट हुई तो हु এই কোশ্চেন গুড়া করা অ্যান্সার মানে বহুত ইজি অটে কাকি তুমি সেই খালি ওয়ার্ড কো রিপ্লেস করি করে অ্যান্সারটা খালি লিখি করে বাকি লাইন ওয়ার্ড লিখি দেব নেক্সট হি হাউ ওল্ড ওয়াজ ব্র্যাডম্যান দেন কত বছর ওল হাউ ওল্ড ওয়াজ দেখো ওল্ড ব্র্যাডম্যান দেন অ্যান্সারটা বিষয় হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে দেখো 20 দেন হি ওয়াজ 21 এবো কমপ্লিশন টেন্স রে কো ভেরি গুড ওয়া when he was then 21 okay Bradman was only 21 years old then he Bradman was only 21 then likhi le bhi here Bradman was only 21 okay so these are the unseen passages and there are two homeworks okay homework 1 There is a passage and this is the question and homework 2 this is the passage and this is the question so try to answer the questions and show to your teachers and all these are all about the unseen passage how to write and when you are trying to attempt the question first time फर्स्ट इंपोर्टेंट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन को बुझने तुम आंसर को पाइबो क्वेश्चन रे जहां जहां वर्ड अछि मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन रे जहां वर्ड अछि ताकु तुम फाइंड आउट करबो पैराग्राफ रे बा पैसेज रे सेही वर्ड गुडा को रिलेटेड रे जो लाइन अछि सेही लाइन को अंडरलाइन करबो आ निज हिसाब रे टिके लेखबा को चेष्टा करबो सो थैंक यू